हेलो डियर स्टूडेंट्स हियर आई एम खे सिंह चौहान फ्रॉम गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल दत्ता रामगढ़ जय तु संस्कृतम जय तु भारतम डियर स्टूडेंट्स टुडे वी वी लर्न लेसन नंबर फर्स्ट द फन द हैड पैराग्राफ नंबर फर्स्ट फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक बिहार द फन द हैड फन का मानना आनंद या मजे द हेड वे लेते थे आनंद जो वे लेते थे ये इसका टाइटल है लेसन का बिफोर यू रीड पढ़ने से पूर्व द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर वैन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो दे वील परहैप्स नॉट एग्जिस्ट द स्टोरी वी शैल रीड कहानी जो हम पढ़ेंगे इज सेट इन द फ्यूचर जो भविष्य की ओर संकेत करती है वैन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो जब पुस्तकें व विद्यालय जैसा हम उन्हें आज जानते हैं या अब जानते हैं ना नहीं अब या आज नोन जानते हैं दे मीन उन्हें विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट शायद अस्तित्व में नहीं रहेगी हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी दैन हाउ एन कैसे चिल्ड्रेन एंड बच्चे विल स्टडी दैन बच्चे तब कैसे पढ़ेंगे द डाइग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़ निम्न रेखाकृति शायद आपको कुछ आइडिया अर्थात विचार दें यहाँ पर क्या है देर आर फोर पिक्चर्स एंड इन देंटर इज रिटन स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर भविष्य की स्कूलें और इसमें फर्स्ट है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स कंप्यूटर के द्वारा सीखना फिर है वर्चुअल क्लासरूम्स और उसके बाद में रोबोटिक टीचर टीचर कौन होगा रोबोट और फिर मूविंग ई टेक्स्ट पुस्तकें कैसी है और पुस्तकें कैसी होगी मूविंग इन पेयर्स डिस्कस थ्री थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज इन पेयर्स यानी जोड़े बनाकर एंड दो दो तीन तीन लड़के मतलब जोड़े बनाकर डिस्कस थ्री थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल उन तीन चीज़ों पर डिस्कस यानी परिचर्चा करो थ्री थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल जो आप अपने विद्यालय के विषय में सर्वाधिक पसंद करते हैं एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज और अपने विद्यालय की उन तीन चीज़ों के विषय में भी चर्चा करें जिन्हें आप चेंज करना चाहते हैं राइट दैम डाउन और उनको लिखें हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन क्या आपने कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा है कैन यू इमेजिन ए टाइम वन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स क्या आप कल्पना कर सकते हैं जब समस्त पुस्तकें कंप्यूटर पर होगी एंड देर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर और कागज़ पर छपी हुई कोई पुस्तकें नहीं होगी नो बुक्स प्रिंटेड इन छपी हुई ऑन पेपर कागज़ पर छपी हुई नहीं होगी वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर क्या आप ऐसी पुस्तकों को अधिक पसंद करेंगे नाउ अस स्टार्ट विद पैराग्राफ नंबर फर्स्ट मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी मार्गी इवन इवन इन भी रोट इन लिखा अबाउट इन बारे में इट इन इसके दैट नाइट उस रात इन हर डायरी अपनी डायरी में मार्गी ने उस रात दैट नाइट इन उस रात अपनी डायरी में भी इसके बारे में लिखा था ऑन द पेज एडेड डेट मई टू थाउजेंड फिफ्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी सेवन या ये कह सकते हैं सेवनटीन मई ट्वेंटी फर्स्ट फिफ्टी सेवन ऑन द पेज एडेड पृष्ठ पर ऊपर ऑन द पेज पृष्ठ पर सत्रह मई इक्कीस सौ सत्तावन सी रोट उसने लिखा टुडे टोमी फाउंड ए रियल बुक आज टोमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली इक्कीस <coughs> सौ आज चल रही है 2022 तो कितने साल आगे की है भविष्य की बात लगभग एक सौ साल आगे की बात हो रही है वो कहती है कि उसने क्या किया है उस वो कह रही है कि आज वास्तव में एक बुक मिली है ये उसने सत्रह मई दो हज़ार एक सौ सत्तावन को लिखा यानी भविष्य की कल्पना हो रही है यहाँ पर इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक ये बहुत ही पुरानी पुस्तक थी मार्गीज़ ग्रैंड फादर वन हैड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट देर वॉज ए टाइम वैन ऑल स्टोरीज़ वर प्रिंटेड ऑन पेपर इट वॉज वेरी ओल्ड बुक की बहुत ही पुरानी पुस्तक थी मार्गीज़ ग्रैंड फादर वंस सेड दैट मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था दैट की वैन ही वॉज ए लिटिल बॉय जब वो एक छोटे बालक थे हिज ग्रैंड फादर उनके दादाजी ने हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम उसको बताया था देर देर वाज ए टाइम के एक समय था वह ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी द टर्न देज उन्होंने पन्ने पलटे उन्होंने कि उन्होंने मारगी और उसका द टर्न देजेज उन्होंने पृष्ठों को पलटा कि उन्होंने टॉमी और उसकी सिस्टर जब मारगी उन्होंने विच वर येलो एंड क्रिंकली और वो पृष्ठ कैसे थे जो कि येलो एंड पीले पुराने हो गए थे पीले एंड क्रिंकली सलवटों वाले थे एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इन स्टेड ऑफ मूविंग द वे देवर सपोज टू और यह अत्यधिक ऑफली अत्यधिक फनी यानी हास्यप्रद था क्या था टू रीड वर्ड्स शब्दों को पढ़ना जो क्या थे दैट स्टूड स्टिल जो क्या थे स्थिर थे यानी के बजाय ऑफ मूविंग द वे उस तरीके से गतिमान के सपोज टू जैसा वो अपेक्षित या कल्पना करते थे ऑन स्क्रीन स्क्रीन पर यू you नो know, आप जानते एंड देन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और फिर जब उन्होंने पूर्व वाला ही पन्ना पलट कर देखा एंड एंड ओ डे तब वहन इन जब दर्न बैक टू द पेज बिफोर उन्होंने पहले वाला पन्ना पलट कर देखा इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट उस पर वही शब्द थे सेम वर्ड्स से यानी वही शब्द थे ऑन इट दैट इट हैड हैड वैन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम कौन से शब्द थे वही शब्द थे जब उन्होंने प्रथम बार इसे पढ़ा था डे स्टूडेंट आज हम इतना ही पढ़ेंगे आप मीनिंग याद करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए थैंक यू